दोस्तों, हम आज एक सस्ते मार्केटिंग फंडे के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ऑटो टेक्स्ट एसएमएस मार्केटिंग, जो सबसे सस्ता मार्केटिंग का कंसेप्ट ईगल आईटी सॉल्यूशंस अहमदनगर महाराष्ट्र से निर्मित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप गूगल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ऑटो टेक्स्ट एसएमएस आपको सर्च करना है, या आप autotextsms.com से भी आप सर्च कर सकते हो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने autotextsms.com पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी autotextsms.com पे क्लिक किया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये आपको इस पोर्टल पे ले जाएगा autotextsms। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन दिख रहा है, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, ये इसका प्राइसिंग आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको प्राइसिंग दिख रहा है, VIP ऑटो टेक्स्ट SMS, क्लिक टू डाउनलोड, या इसके फैसिलिटीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक टू डाउनलोड। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको डाउनलोडिंग, इसको डाउनलोड करना है आपको आपके डिवाइस पे। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ है, आप डिटेल्स में देख सकते हो। VIP ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ गूगल क्रोम के सेटिंग पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर से हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। तो सेटिंग्स पे जाके क्लिक कीजिए, और यहाँ पर अलो फ्रॉम दिस सोर्स, ये इस पोर्टल को अलाउ करना है आपको। तो इसे आपको अलो फ्रॉम दिस सोर्स को आपको ऑन करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। ये ऑन करने के बाद ये अभी इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, ओपन कर दिया मैंने, ये अभी रन हो रहा है। ऑटो टेक्स्ट एसएमएस मार्केटिंग टूल, यहाँ पर आपको रजिस्टर हियर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। सबसे पहले आपको आपका यूज़र नेम डालना है, देन आप आपका ईमेल आईडी यूज़ कीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी आपका यूज़र नेम होगा, जिससे आप लॉगिन करने वाले हो। ओके, यहाँ पर मैंने मेरा ईमेल आईडी एंटर कर दिया। देन उसके बाद में हम मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पर। देन अपने बिजनेस का नाम आपको यहाँ पर डालना है, बिजनेस नेम, देन बिजनेस का मोबाइल नंबर, देन यहाँ पर एड्रेस, आप एड्रेस आपका सिंपल सा रख दीजिए, देन सिटी, आप कौन से सिटी से हो, देन आपको देखना है यहाँ पर कौन से स्टेट से हो, देन आप कौन सी कंट्री से हो, देन इसको सेव करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, ये आपको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा, मगर ये अभी एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अभी ये लॉगिन विंडो पे आ गए हो। देखते हैं हम लॉगिन करके, मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और साइन इन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली दिख रहा है। यहाँ पर कुछ परमिशंस हमें अलाउ करने हैं, यहाँ पर तीन ही परमिशन से। देन यहाँ पर दिख रहा है एक्टिवेशन, योर एप्लीकेशन सर्विस एक्टिवेशन इज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ एडमिन टू एक्टिवेट सर्विस, थैंक्स। यहाँ पर आपको जब आप ओके करोगे यहाँ पर, देन आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स मिल जाएंगे जिसे आप कॉल कर सकते हो। ये कंपनी के डिटेल्स है, इनसे कॉल करने के बाद आपका ऐप एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी इस नंबर पर कॉल करना है आपको। ये नंबर दिख रहा है ईगल आईटी सॉल्यूशंस अहमदनगर, प्रकाश सोनार का नंबर है ये। इस यहाँ पर आप 9890476237 पे कॉल कर सकते हो, या 8857869283 पे आप कॉल कर सकते हो। ये डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाली कंपनी है। अभी ये कॉल करने के बाद अभी ये एक्टिवेट हुआ है, अभी हम लॉगिन कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाटएवर जो इसका प्राइस होगा, ये सर्विस का कोई प्राइस होगा, इसको आपको पे करना है। ये ऐप है, ये सिंपल मार्केटिंग कंसेप्ट है।
हर इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल और मिस कॉल पे आप एक मैसेज कॉलर को सेंड करने वाले हैं। इसका बेनिफिट ऐसा है कि आपका इससे ब्रांडिंग होगा, आपकी सर्विसेज लोगों को पता चलेगी, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है। अभी ये ऐप एक्टिवेट हो चुका है, अभी हम इस पर साइन इन कर रहे हैं। साइन इन करने के बाद ये हम मेन स्क्रीन पे आ गए। आप तो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्लियर वन SMS सेटिंग, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। ये पहली वाली जो सेटिंग है इसे हमें ऑन रखना है, जिससे आपके SMS वेस्टेज नहीं होंगे। दिन में एक बंदे को एक ही मैसेज फायर होने वाला है, मैक्सिमम दो मैसेज फायर हो सकते हैं, ठीक है, इसे ऑन रखना है। देन सेटिंग SMS पे क्लिक करना है आपको, जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। इसे यहाँ पर एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, आपकी इंग्लिश हो, मराठी हो, या एनी लैंग्वेज से आप यहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हो। आप अपने पोर्टल का लिंक यहाँ पर रख सकते हो, सोशल मीडिया का लिंक रख सकते हो, यूट्यूब वीडियो का लिंक रख सकते हो, या आपके शॉप का टाइमिंग आप यहाँ पर रख सकते हो, आपका शॉप बंद हुआ है या शॉप का एड्रेस चेंज हुआ है। आपको फ़ोन रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऑफ़र रख के सेव कर देना है आपको। यहाँ पर मैंने लिखा है थैंक्स फॉर यूजिंग ऑटो टेक्स्ट SMS और मैं इसे सेव करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ देखिए आप SMS सेटिंग ऑन ऑफ, ये तीसरा वाला ऑप्शन है, इसे आपको ऑन रखना है। यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है, इसको आप ऑफ कर सकते हो। देन फोर्थ वाला ऑप्शन अबाउट ऐप डेवलपर, ये कंपनी जिसने ये ऐप डेवलप किया हुआ है। देन अबाउट ऐप, यहाँ पर कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, कंपनी का एड्रेस आपको मिलेगा यहाँ पर। देन यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद में आप यहाँ पर ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ब्लॉक कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ नंबर्स ऐड कर सकते हो जिनको आपका मैसेज फायर नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है आपको, आप यहाँ पर एन नंबर ऑफ नंबर ऐड कर सकते हो, इसको सेव करके रख देना है, जिससे जिसको आपका SMS फायर नहीं होने वाला, ये नंबर ब्लॉक हो जाएगी। इट इज़ ये सिर्फ ऐप के लिए ही सीमित होगा। देन ये क्लियर फ्रिक्वेंसी टेबल, जिससे आपका ऐप का मेमोरी क्लियर होने वाला है और ऐप SMS सेंड करना चालू कर देगा जिसको सेंड हुआ है। अभी आपको इसको मिनिमाइज़ करना है, आपके जो मोबाइल में बीच में वाला जो बटन है, रेक्टेंगुलर बटन है बॉटम में, उसको उससे हम ये ऐप को मिनिमाइज़ करेंगे। और अब हम चेक करते हैं जब कोई बंदा हमें कॉल करता है तो मैसेज फायर होता है या नहीं है। तो अभी मैं इस मोबाइल पे एक कॉल आने वाला है, देखिए आप यहाँ पर कॉल आने आएगा। ये देखिए यहाँ पर कॉल आ रहा है, अभी हम चेक करेंगे हमारा ऐप वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी ये कॉल जाने के बाद हम इसे, मैंने ऐप को मिनिमाइज़ करके रखा हुआ है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैसेज वाला जो ऐप दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे ऐप से मैसेज फायर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरा ऐप, हाँ थैंक्स फॉर यूजिंग ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पर नॉट डिलीवर दिखा रहा है। मे बी यहाँ पर कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, मगर ऐप तो काम कर रहा है हमारा। थैंक्स फॉर यूजिंग ऑटो टेक्स्ट SMS, ये मैसेज फायर कर दिया है हमारे ऐप ने, मीन्स इनकमिंग कॉल को ये मैसेज गया है मगर डिलीवर्ड नहीं हुआ, ये रेड वाला जो सिम्बॉल दिख रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ अलग सेटिंग करनी होगी, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में देख सकते हो। तो अभी हमें और एक सेटिंग करनी है। देखिए हमारे ऐप जो है हम क्लियर करने के बाद क्लोज हो जाते हैं, तो हमें हम इस ऐप को लॉक करना है, तो कैसे करते हैं, ये देखिए मल्टीपल ऐप हैं, ऐप को मिनिमाइज़ करने के बाद में टॉप वाले सिंबल पे हल्के से क्लिक करके लॉक दिस ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पर लॉक का सिंबल आपको दिख रहा है ऐप की स्क्रीन पे। तो अभी क्लियर करने के बाद भी ये ऐप क्लोज नहीं होने वाला, इससे ऐप कंटिन्यू चालू रहेगा। देन वन मोर सेटिंग हमें करनी है यहाँ पर, वन मोर सेटिंग हमें यहाँ करनी है। सेटिंग में क्लिक कीजिए, सेटिंग पे क्लिक करना है हमें।
सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें ऐप्स पे जाना है। ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, और ऐप्स पे क्लिक करने के बाद हमें ऑटो टेक्स्ट एसएमएस पे क्लिक करना है, और देन यहाँ पर हमें बैटरी पे क्लिक करना है। जैसे हम बैटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलो बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑन करना है, जिससे आपका ऐप बैकग्राउंड में रन होगा और ऐप क्लोज नहीं होगा। इससे ये पूरा सेटिंग होने के बाद आपका ऐप प्रॉपरली वर्क करने वाला है। तो ये इससे इतना सेटिंग होने के बाद आप मेरा सेकंड वीडियो देखिए, जहाँ पर ऐप काम कैसे करेगा।